खुजनैर में बिजली का बिल ज्यादा आने पर लोग इकट्ठा होकर विद्युत मंडल पहुंचे। लोगों का कहना है कि इतना बिल तो हमारा आज तक नहीं आया, लेकिन जब सरकार बदली तो हमारे बिजली बिल बहुत ज्यादा आने लगे। एक तरफ देश में कोरोना महामारी में हमारा काम धंधा सब बंद है और दूसरी तरफ बिजली बिल 1500 से 5000 तक के आए हैं। इसलिए सभी वार्डवासियों ने सुपरवाइजर से बात की और उन्होंने बोला कि मैंने ड्यूटी आज सुबह ही ज्वाइनिंग की है और लोगों का कहना है कि अगर बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो विद्युत मंडल के कर्मचारी आकर कनेक्शन भी काट दिए जाते हैं। कई लोग और शहर के कई लोग परेशान हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये विद्युत मंडल में पहली बार ऐसा क्यों हुआ है या ये विगत 2-3 महीनों से ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे पैसों की वसूली हमसे ही कर ली जाएगी क्या? जब से ये सरकार चेंज हुई है तब से ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता क्या बात है आखिरकार के भाई। पहले भी तो लोग बिजली चलाते थे, हम भी तो बिजली चलाते थे, हमारा 10-20 साल से कनेक्शन है, हम तो पैसे जमा करते थे। या आज ही क्यों परेशानी आ रही है? 5000 रुपये का बिल आ गया। चलो कोई दुकान का हो, किसी फैक्ट्री का हो, किसी कोई चीज़ का हो तो बिल माना जाए। अब घर के बिल अगर 5000 रुपये के आएंगे तो 3 महीने से घर पे बैठे हम लोग लॉकडाउन में, अब हमने 3 महीने से कोई रोजगार नहीं किया, अब 5000 रुपये के बिल कहाँ से जमा करेंगे? तो ये मेरा गवर्नमेंट से और इस विद्युत मंडल से सवाल है कि भाई हमारे चीज़ों का निराकरण कब होगा, कैसे होगा? रामनारायण मोतीलाल, कौन से गाँव से हो? क्या समस्या लेकर आए हैं आप यहाँ से? ये 2400 का बिल है। 2400 रुपये का बिल दे दिया आप? हाँ। कितने महीने का बिल है? देखो नहीं पता महीना का, 2400 रुपये आ रही हो तो मारे खाली। हाँ, तो 2400 रुपये का बिल आया? हाँ, 6 महीने का है जो मैं 2400 कर दिया। पर जो बिल की समस्या है लोगों की मैं ध्यान देख रहा हूँ, जिसका जिसका कोई गलत बिल आया है वो सारे बिल सुधारे जा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। किसी को कोई समस्या नहीं होगा, उपभोक्ताओं को सबको संतुष्ट किया जाएगा और सबकी समस्याएं दूर की जाएंगी। तो इसके पहले भी सर जो मतलब कुछ बिल के अंदर कम हुए हैं पैसे, तो मतलब वो भी तो कुछ करके हुए हैं मतलब सर? नहीं, जो भी बिल होगा अपन हर एक बिल को एक एक बिल को चेक करेंगे और जिस बिल में जो भी कहीं गलत है अगर वो तो सुधारा जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। और अगर बिल सही है तो विद्युत बिल का भुगतान करना पड़ेगा उपभोक्ता को। ठीक है। इरशाद मंसूरी, खुजनैर की रिपोर्ट।